नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशन रोमिंग में। आज हम आ चुके हैं बिहार के मुंगेर जिले में स्थित वो स्थान पर जो कि बिहार ही नहीं देश में दुनिया का सबसे महान दुर्गा मंदिर रहा, सबसे बड़ी दुर्गा महारानी के नाम से जाने जाने स्थान है वो। जो हमारे सामने जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं, मुख्य द्वार है, उसी मंदिर का प्रवेश द्वार है। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं जगह के बारे में, इस महत्व के बारे में, इस आस्था के बारे में जानते हैं क्या इसका इतिहास रहा है। आइए शुरू करते हैं। ये प्रवेश द्वार देख रहे होंगे आप, श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा महारानी शादीपुर मुंगेर में स्थित है, ये उसी का प्रवेश द्वार रहा। और यहाँ का इतिहास लगभग सदियों पुराना है। इस मंदिर की बात करें, इसका जो निर्माण रहा वो 1891 में हुआ, यानी कि 125 साल पुराना मंदिर है। जो आप अस्थि देख रहे होंगे, जो शिला है जो ऊपर का, वो वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। उसी मंदिर के पास जाएंगे और जानेंगे इतिहास के बारे में, क्या इतिहास रहा है यहाँ का, क्या महत्व है, लोग यहाँ क्यों आते हैं। मंदिर तो बहुत सारे हैं बिहार में, दुनिया में, लेकिन यहीं पर क्यों, उसका महत्व क्या है, क्या इतिहास है यहाँ का, जो आस्था का प्रतीक है, इसी जगह के कारण जान रहे हैं। और बड़ी दुर्गा महानी स्थान का देख रहे होंगे आप, ये फ्रंट का व्यू है, टॉप का व्यू कर लीजिए, जो कि पूरे विश्व विख्यात है। ये सामने देख रहे होंगे आप, लिखा होगा श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा महानी स्थान शादीपुर मुंगेर। ये मुंगेर नहीं, पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली माँ दुर्गा मंदिर है। ये समय खास भले आप देखें जो घर बन गए बहुत सारे, लेकिन जब ये बना होगा लगभग आज से 125 साल पहले, इसका स्थान महत्व उतना ही रहा होगा जो आज भी है। भाई जनसंख्या बढ़ती चली गई, समय सिमट के रह गया। वो देख रहे होंगे आसपास बहुत सारे घर बन गए हैं, दुकानें बन गई है, बहुत पूरा सुकून सा गया है, लेकिन उसका महत्व उतना ही बना रहा और बना रहेगा। जो आप देख रहे होंगे मंदिर, इसकी भव्यता देखते ही बनती होगी। जो हमारे व्यूअर्स हैं आप देखिए, अवश्य आइए, क्योंकि दुर्गा पूजा का शुरू हो चुका है। मंदिर निर्माण कांड से देखिए, आप देख रहे होंगे मूर्तियां बनना शुरू हो चुकी है। चलते इसके मंदिर कहना चलते हैं, जानते हैं यहाँ का इतिहास क्या रहा, वहीं के लोगों से पूछेंगे जानेंगे। चलते हैं शुरू कर। ये दुकान है, यहाँ पे पूजा पाठ का है, मिठाई का, जो आपको चढ़ाना हो, जो आपका आस्था हो, यहाँ आ सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। दुकान है जो शैलपुत्री हो, ब्रह्मचारिणी हो, या और भी जो 9 रूप है, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और सामने देखिएगा आप, मुख्य प्रतिमा है, जो मुख्य रूप है, सदियों से लगभग 1891 से एक जैसा मूर्ति बनता आ रहा होगा। ये केवल आपको यही पर मिलेगा और कहीं नहीं। यहाँ का मत इतना है कि इसे कोई वर्णन ही नहीं, क्या जानना चाहता है कितना, मतलब बहुत सारे पूरे आज तक यहाँ जो भी आए हैं कभी कोई खाली नहीं गया, और कब से इनका पूजा हो रहा है अज्ञात है, किसी को पता नहीं। कलाकार कोई भी हो, माँ का स्वरूप एक ही बनता, एक ही रहता है। यहाँ पहले जब देखिए, वहाँ पे विष्णु जी हैं, एक नीचे गणेश जी हैं, उधर काला वाला दुर्गा जी, मेन मूर्ति वही है। हाँ वो काला मूर्ति है ना, काला काला, हाँ दुर्गा जी मेन मूर्ति वही है, और ये मूर्ति सेम ऐसी बनती है। उधर का मत लीजिएगा अभी, उनका नहीं, वो नहीं लेना अभी, नहीं उनको नहीं लेना है अभी। हाँ वो सब लीजिए ना, वो सब ले सकते हैं। तो ऊपर देखते हैं ये मंदिर का क्या महत्व है, कितना इसका जो गौरव रहा है, जो दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं इसकी भव्यता को भी देखने के लिए, कि उसका महत्व भव्यता को लेके भी है, इसका भव्य क्या है। मंदिर तो बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे पूरे बिहार भर में, इसका ऐसा खास महत्व क्या है ये जानने के देखने के बाद ही पता चलेगा। आई चलते ऊपर चल रहे हैं, देख रहे होंगे सीढ़ियाँ, चल रहे हैं हम लोग, ऊपर भी जा रहे हैं, और ये और भी ऊपर आ रहे हैं, देख रहे होंगे आप। और ये मंदिर के आ गए, ये देख रहे होंगे इसे, ये मंदिर के सामने का व्यू आप देख रहे होंगे, और इसका महत्व देखिए। माँ का ये मुकुट ऐसा, जो आप देख रहे हैं मुझे प्रवेश द्वार जो मुख्य है, लगा से मुकुट की तरह बनाया गया है। जो मूर्तियां देखें, जो प्रतिमा रूप में अभी है, ऐसी प्रतिमा सदियों से बनता आ रहा होगा,
जो प्रतिमा पे आप देख रहे होंगे तो दुर्गा पूजा आएगा, आपको ऐसी प्रतिमा देखने को मिलेगी हूबहू। हर बार ऐसा ही, भले ही कारीगर थोड़ा उलट कर कर दे लेकिन माँ अपने स्वरूप में स्वयं चली आती है। यहाँ का महत्व है, यही यहाँ का इतिहास है, जो उनकी बांकी दुर्गा माँ से या बस्तर माता है, ऊंचा माता है, जो महान बनाता है, जिनका कारण उनको बड़ी दुर्गा कहा गया। इसका मुख्य कारण नहीं रहा कि इसका स्वरूप एक सता ही रहता है। इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं, इसकी भव्यता देखते हैं और ऊपर चल के। ऊपर देखिए अभी बंद है, शायद कार्य प्रगति पर होगा, काम चल रहा होगा। देख रहे होंगे बांस उठाना शुरू हो गया, दुर्गा पूजा का समय आना शुरू हो चुका होगा। ये देख रहे होंगे आप, ये उनकी प्रतिमा जो मुख्य है वो आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ऊपर का जो प्रमुख जो है, जो शिखर से कहते हैं आप, वो शिखर है। और सामने का ये तीन देख रहे होंगे जिसके ऊपर अर्घ कमल का फूल के आकार में दिया गया, ऊपर कलश का दिया गया हुआ, जो कलश एक शुभ संकेत समृद्धि का प्रतीक होता है। तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट जब रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।